नमस्कार, आज की बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ में आप सभी बता दें, बोर्ड की परीक्षा 2023 से जुड़ी आ रही है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जहां पर बोर्ड की परीक्षाओं पर फिर से एक खतरा मंडराने लगा, एक और जांच। सरकार बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर कई सारे बदलाव कर रही थी, उसी बीच बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर सरकार का यह भी कहना था कि इस बार समय से पहले आप सभी की बोर्ड की परीक्षा संपन्न करा लेंगे। लेकिन इसी बीच परीक्षाओं को लेकर एक बहुत ही बड़ा संकट इस वक्त निकल के सामने आ रहा है। भारत के किसी भी राज्य का स्टूडेंट और 2023 की बोर्ड की परीक्षाओं में बैठने वाले हो तो आप तमाम छात्र जुड़िए। सबसे बड़ी और अहम खबर निकल के सामने आ रही है, जिसकी संपूर्ण जानकारी और अपडेट हम जाने वाले स्टूडियो मित्रों के साथ में, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। साथ ही आप किस राज्य से और किस बोर्ड से हो, आप इसकी जानकारी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, ताकि आपकी बोर्ड से जुड़ी जब भी कोई अपडेट आएगी सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगी। देखिए हमारी छोटी सी रिपोर्ट में बहुत ही बड़ी खबर। जी, आप सभी को बता दें, सरकार का कहना था कि इस बार जनवरी या फरवरी के माह के अंदर आप सभी की बोर्ड की परीक्षाएं हैं वो आयोजित करा दी जाएगी। भारत के सभी राज्य के बोर्ड को यह दिशा निर्देश जारी किया था, लेकिन इस बीच से चीन से एक डरावनी खबर निकल के सामने है, जहां पर कोरोना वायरस का कहर फिर से बढ़ने लगा और इसका असर भारत में सबसे ज़्यादा देखा जा रहा है। भारत में कई सारे जो व्यक्ति है वो बहुत ही ज़्यादा कोरोना है पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। इसी बीच एक नया वेरिएंट भी देश में इंटर कर चुका है, जो सबसे ज़्यादा बच्चों को प्रभावित कर रहा है और ऐसे में माना जा रहा है कि बोर्ड की परीक्षाओं को इस बार भी स्थगित करना पड़ सकता है। ये इस वक्त की बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है, इसकी संपूर्ण जानकारी लिए आप हमारी छोटी सी रिपोर्ट को जरूर देखें। कोरोना के नए वेरियंट पर अलर्ट मोड में इस वक्त सरकार नजर आ रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उच्च स्तरीय बैठक शुरू हो चुकी है। कोरोना की स्थिति पर समीक्षा हो रही है। आज हमने सदन में भी देखा, स्पीकर भी मास्क लगाए नजर आए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मास्क लगाए वहां पर मौजूद रहे। तो अब उच्च स्तरीय बैठक इस लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण कि आगे आप क्या कदम उठाते हैं उससे ही तय होगा कि क्या स्थितियां बेहतर होंगी या दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। और इसीलिए दिक्कतें पैदा ना हो इसलिए बाकायदा मीटिंग्स का दौर चल रहा है, चाहे वो स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से हो, उच्च स्तरीय ये बैठक हो रही है। कैसे कोरोना को बढ़ने से रोका जाए भारत में, इस पर तमाम पहलू होंगे जिन पर यहां चर्चा होगी। उसके बाद हो सकता है कुछ और नियम सामने आए जिनका पालन हमें और आपको करना हो।